हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सभी। देखिए, बिहार में जो स्टेट पेपर 1 9th 10th और स्टेट पेपर 2 11th 12th का जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो सबको रिजल्ट का इंतज़ार है। तो देखिए, एक चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए, रिजल्ट जल्दी ही जारी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपका एंसर की जारी किया जाएगा, समझ गए। एंसर की आने के बाद आपको चैलेंज करने के लिए, उस पर आपत्ति करने के लिए समय दिया जाएगा, और उसके जस्ट बाद यानी एक मंथ का अंदर में सब प्रक्रिया आपका हो जाएगा, समझे। कि जो आपका बीपीएससी तैयारी हो रहा है उससे पहले तक आपका रिजल्ट को, यानी समझिए कि जुलाई लास्ट तक, हो सके जुलाई लास्ट तक आप लोग का स्टेट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पेपर 1 9th 10th और पेपर 2 11th 12th का साथ में ही रिजल्ट आएगा, समझे। तो पहले एंसर की जारी किया जाएगा, फिर एंसर की जारी होने के बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, समझ गए। तो इंतज़ार कीजिए, एक महीना के अंदर में आपका जुलाई लास्ट तक आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए, इससे पहले जो हुआ था 2023 में स्टेट का एग्ज़ाम, तो उसमें आपका एक महीना के अंदर में सब आपका एंसर की देते हुए रिजल्ट को भी जारी कर दिया गया था। इस बार भी आपका एक महीना जुलाई के लास्ट तक आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा, समझ गए। तो एक महीना आप लोग इंतज़ार कीजिए जुलाई के अंत तक, समझे। थैंक यू।